Welcome again in 12th class, economic class, or third part of the Indian Economics chapter, Indian Economy on the Eve of Independence. Under this second part of the chapter, discussed with you in the reference of the foreign trade. In last, we share their views on the point of the foreign trade. Under of the foreign trade, I tell you the some product which produce in primary sector, they used as a raw material for the secondary sectors means industries they are used as a raw material in india and others country means european country like cotton wools sugar indigo etc these things demanded in western country market due to these are qualities is good to the others country goods आर थिंग्स कॉजेज कुछ जोग्राफिकल और कुछ ऐसे जो थ्रेड्स वगैरह थे वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से उनके सफाई वगैरह किया जाता था उनका निर्माण किया जाता था जिससे ये वेस्टर्न मार्केट में ज़्यादा डिमांडेड हो गए। एंड आफ्टर ऑफ द यूज़ ऑफ सच मटेरियल्स द फाइनल गुड्स आल्सो कैरीड इन इंडिया और इंडियन मार्केट एंड सोल्ड and gain more and more profit the importance of the foreign trade in duration of the colonial periods generate a large export surplus means आप वही चीज़ एक्सपोर्ट करोगे वही चीज़ आप सेल करोगे जो आपके पास क्या होगा सरप्लस होगा लेकिन ये सरप्लस आप सेंड करते हो आप बेचते हो सेल करते हो उस किसके बदले कुछ ना कुछ इसका रिक्वायरमेंट होता है जैसे मनी लेकिन दीज मनी यूज टू परचेज ऑफ द सम सर्विसेज सम कमोडिटीज़ एक्सेट्रा तो उस समय भी ये जो गुड्स थे इनको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे इन द रिप्लेस ऑफ दी फूड ग्रेन्स क्लोथ्स एंड सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट उस समय बहुत कुछ नहीं यूज होता था लेकिन केरोसिन आयल लोगों के घर में प्रकाश करने के लिए अति आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ था तो कैरोसिन के बदले हम जो कुछ भी सरप्लस हमारे पास होता था इसका हम वेस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड और कॉमर्स करते थे अब इसी क्रम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है आपने नाम सुना होगा स्वेज कैनाल स्वेज नहर इट्स अ आर्टिफिशियल कैनाल्स आर्टिफिशियल वाटर वेज वाटर रूट्स इट्स ओपन इन 1869 किया क्या इट्स कनेक्ट टू मेडिटेरियन सी एंड रेड सी भूमद सागर और लाल सागर को इसने क्या कर दिया जोड़ दिया मींस Suez Canal reduced to distance between Asian, European, European country and Asian-American country or European and African country. इनके बीच में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता था जाने आने के लिए उसको स्वेज कैनाल ने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया सो द ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू द स्वेज कैनाल हेल्प इन इंडियन फॉरन ट्रेड आल्सो इसके पहले आपने सुना होगा एंशियंट में जैसा कि इसके पहले आपसे भी बात हुई सिल्क रूट उत्तरापथ ऐसे जो हमारे लैंड लॉक्ड रूट थे लैंड रूट थे वो तो थे ही लेकिन ये जो स्वेज कैनाल के, के थ्रू हमारा ट्रेड और कामर्स हुआ ये हमारे फॉरेन ट्रेड में ड्यूरिंग ऑफ दी क्लोनियल पीरियड्स में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसी के साथ इसके कुछ पोर्ट्स हुए जो पोर्ट हमारे अफ्रीकन कंट्री में थे एशियन कंट्री में थे अमेरिका का कुछ छोर उसके अंतर्गत आ, आ रहा था तो ये इन कंट्रियों को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने का भी काम किया तो सो द स्वीज़ कैनल्स इम्पोर्टेंस इन द फॉरेन ट्रेड इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एक न्यू आपके सामने कंडीशन्स आ रही है एक न्यू टॉपिक आ रही है डेमोग्राफिक कंडीशंस वट इज डेमोग्राफिक क्राइटेरिया ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड मीन्स यहाँ की जो जनसंख्या थी जनसंख्या की क्या पोजिशन थी यहाँ की जनसंख्या की क्या स्थिति थी जो ह्यूमन रिसोर्सेस थे उनकी क्या पोजीशन थी आप जानते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाय डे एंड द काउंटिंग ऑफ पीपल In specific periods of time is known as census. In India, census started from eighteen seventy one. But from 1881 it's organized at interval of every 10 years प्रत्येक दस वर्ष के उपरांत हम जनगणना कराते हैं और उसी के माध्यम से हमें मानव की स्थिति मानव की विकास मानव की गतिविधियाँ मानव के अन्य एक्टिविटीज़ के भी पता चल जाते हैं जैसे हम बात करें देखिए ह्यूमन बीइंग्स आवर डेवलपमेंट depend on their civilizations their knowledge but their roots इसकी जड़ें कहाँ हैं रूट्स इज़ knowledge which showing by literacy the people whose age is above of seven years and they can read write and understanding of something called literate peoples, which depend on education, education to learn Sikhna and Sikhana. क्या है तो किसी भी देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वही उस देश की लिटरेसी रेट को प्रभावित करेगी और लिटरेसी रेट ही उस कंट्री की सिविलाइजेशंस सभ्यता को आगे बढ़ाएगी मेंटेन रखेगी देखिए दो चीज़ आप पढ़े होंगे कल्चर एंड सिविलाइजेशन दोनों एक दूसरे से डिफर है है ना? तो हम यहाँ कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ हम कह रहे हैं सिविलाइजेशन तो एजुकेशन इज रूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स उस समय एट टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भारत के स्वतंत्र होने के दौरान देयर लिटरेसी रेट इज लेस देन सिक्सटीन परसेंट जो कि आज सेवेंटी थ्री परसेंट है कितनी पुअर थी Informed mortality rate is very high, means at this time near about two hundred eighteen per thousand. Today's forty only forty per thousand. At this time लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा जो एक सामान्य मनुष्य जीवन जीने की जो उसकी वो थी वो उस दौरान फोर्टी फोर ईयर्स थी आज हमारी सिक्सटी फोर ईयर्स हो गए क्या इसके पीछे क्या मीन्स एट दिस टाइम हेल्थ फैसेल्टीज नाट अवेलेबल इन प्रॉपर फॉर हम कुल मिला जुला के बस इतना सा कहना चाह रहे हैं आपसे कि ड्यूरिंग ऑफ दी इंडिपेंडेंस आर कॉलोनील पीरियड कलोनियल रूल लिटरेसी रेट मीन्स एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज विच बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स बहुत ही पिछड़ा हुआ था जिससे हमारा जो डेवलपमेंट था हमारा जो ग्रोथ था हमारा जो आगे बढ़ने की एक दर थी वो बहुत ही ख़राब थी बहुत ही पुअर थी जिससे यही रेट यही दर कहीं न कहीं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करती है इसका प्रभाव हमारे इकोनॉमिक कंडीशन एट ड्यूरिंग ऑफ द कलोनियल पीरियड और एट दफ़ द इंडिपेंडेंस बहुत आसानी से देखा जा सकता है दिखाई देता है इसी के साथ साथ आवर इंडिया इज वेरी रिच इन द रिसोर्स टूडे एंड इन पास डे ऑल्सो but the infrastructure which required for the good economy not so developed they can adopt a new platform in the indian economy in duration of the in period of the colonial rule some basic infrastructure such as railways waterways means ports water transport post means कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट सर्विसेज टेलीग्राफ डिट डेवलप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था मीन्स एकदम बिल्कुल ऐसी पोजीशन में कि आप कह सकते हो कि इट इज़ बिगनिंग पीरियड्स ऑफ दिसस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रकार के जो संरचनाएं आधारभूत संरचनाएं हैं इनकी शुरुआत बस हुई थी इनका कोई आउटपुट सभी नहीं आ रहे थे ऐसे पोजीशन में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कहीं कही न कहीं बड़ी ही लो फॉर्म में चल रही थी ड्यू टू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशंस डाइवर्सिफिकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग्स इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट चिल्ला रही थी कि उसको क्या चाहिए आधुनिकता चाहिए जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उसको एडाप्ट करना चाहिए लेकिन ऐसा केवल दिखावा था संभव नहीं था फॉरेन ट्रेड वॉज वॉरेंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन उस दौरान जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होती है उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें थी जैसा हमने आपसे पहले बताया कि प्राइमरी प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस इन इंडिया इट्स सेंड टू तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ये चीज़ें जाती थी किस लिए ओनली एज अ फीड केवल भरपाई करने के लिए उससे कोई वो नहीं था एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग द फ्रेमड आउट रेलवे नेटवर्क नीडेड टू अपग्रेडेशन ये जो रेलवे सेटअप हुआ है उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए वो तो केवल सेल्फ़ बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिश के लिए डेवलप किया गया था वो इंडियन की इक्नॉमी को देखते हुए नहीं आज हम आज़ाद हो गए हैं अब हमें ज़रूरत है इसके किस चीज़ का कि इसको हम अब आप डेवलप करें अपग्रेड करें और इस तरीके से हमारी जो इंडियन इकनॉमी थी वो इंडियन इकनॉमी सोशल और इकनॉमिक चैलेंज को क्या कर रही थी फेस कर रही थी अर्थात जो डेमोग्राफिक सोशल सामाजिक दबाव इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहीं अच्छा ट्रेड कॉमर्स नहीं जिसकी वजह से हमारे सामने हमारा देश आज़ाद तो हो गया लेकिन हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज मुंह बाके खड़े हुए थे द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश लेफ्ट टू इंडिया इन पोजिशन ऑफ द वेरी वर्स ब्रिटिश छोड़ तो दिए हमें आजाद तो कर दिए लेकिन हमारी स्थिति इस कदर कर दी थी जो बहुत ही खराब थी बहुत दयनीय हो गई थी हमें हर क्षेत्र में इम्प्रूव करने की जरूरत थी तो इस कंडीशन में हमारी जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे करके पहुंच चुकी थी अर्थात ओवरऑल अगर हम बात करें तीन द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी टू नो दैट द एप्रिशिएट द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट अचीव ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वेयर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड द प्रोमोशन ऑफ द ब्रिटिश इकनॉमी इंटरेस्ट दैन द नीड टू डेवलप ऑफ द इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द कोलोनाइज कंट्री एंड इट्स पीपल जो भी पॉलिसी बनती थी वो पॉलिसी ब्रिटिशों को ध्यान में रख के बनाई जाती थी न कि भारतीय को न कि कॉलोनियल पीपल्स को The agricultural sector contribute to the experience of the exploitation, to the distillation despite the fact that, or the largest section of the Indian population depend on its for sustenance. see position agriculture ki position thi, very bad position. Due to peasant not interested in the agricultural activities, due to they faced in every season a loss finalized based on the loss of agriculture. So, British rule. इंडिया गवर्नमेंट ले टू द कोलेप्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट जो कि हमने आपसे बात किया था शुरू में कि हमारे भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था क्लोथ्स था कपड़े थे वह विश्व प्रसिद्ध हुआ करते थे उसको इन्होंने बिल्कुल धराशाई कर दिया क्लैफ्स कर दिया इसका मतलब केवल और केवल ब्रिटिश अपने फ़ायदे की बातें करके हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को धता बर्ताते हुए हमेशा उसको नीचे गिराते चले गए पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज ऑक्रेंस ऑफ द फ्रिक्वेंट नेचुरल क्लैमिटीज फेमाइंस पॉपुलराइज ऑफ दी हेल्प ऑफ द इंडियन पीपल्स रिजल्टेड इन डेंजरस पोजिशन हमारे पास न स्वास्थ्य थी न अच्छी शिक्षा थी न अच्छी इकोनॉमिक जीवन जीने की व्यवस्था थी इन सभी क्षेत्रों में आज़ादी के बाद हमें केवल और केवल संघर्ष करना था ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था थी ड्यूरिंग ऑफ द इफ़ ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमें इतनी बातों को सोचकर इतनी बातों को दिमाग में रख कर के आगे हमें बात करना हार्ड स्टूडेंट रेस्टूडेंट इक्लिप्ट यूट्यूब पे जो लोड हो रही है या साइट पे जो लोड हो रही है की उनका प्रिंट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है जो कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं वो अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखे हैं इसके लिए हम बहुत ही उनकी हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि देखिए अब समय हमारे पास नहीं है जस्ट कुछ ही महीने बाद हमको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो चलना है इसलिए हमें अनवरत अपने अध्ययन को जारी रखने की ज़रूरत है मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ ये मैटर जो आपको वीडियोज़ में मीन्स टेकन लेक्चर डिजिटल लाइब्रेरी से टेकन लेक्चर आप ले रहे हो वही मैटर आपको डिजिटल लाइब्रेरी के जो नोट्स हैं वहाँ पे अपलोड मिलेंगे आप उसको देखिएगा वहाँ से आपको क्लियर प्रिंट मिलेगा वैसे इसमें भी हम लोग इम्प्रूविंग कर रहे हैं जल्दी ही अच्छी प्रिंट आपको उपलब्ध होने लगेगी अगले एक दो साल और आपके इस थर्ड पार्ट से जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी आपको उसी लाइब्रेरी के डिजिटल लाइब्रेरी के पार्ट्स में अपलोड मिलेंगे आप उसको देखिएगा और अपने स्तर से उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए ओके थैंक यू